सावित्री बाई फुले, हस्बैंड नेम बाई ज्योतिराव फुले, सी इज सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर। स्कूल नहीं है भंते जी, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से इन बच्चों के रहने खाने और पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। आप गरीब घर के बच्चे हैं, लाचार बेबस घरों के बच्चे हैं, लेकिन ये फ्यूचर है भारत के। लेकिन समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए मुझे एहसास हुआ कि हम बेसिक से जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक समाज में बुनियादी परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चे 5 साल के भी बच्चे मिलेंगे, यहाँ पे PhD करने वाले बच्चे रहेंगे और यहाँ पे गृहस्थ लोग भी मिलेंगे जो स्वयं खेत में काम कर करके, भंते जी और जो बड़े लोग हैं खेत में काम करके मजदूरी करके इस विद्यालय को चला रहे हैं। तो हम इसकी गारंटी लेते हैं कि ऐसे और भी संस्थान खुलेंगे, ऐसे और भी बौद्ध विहार खुलेंगे जहाँ पे गौतम बुद्ध अम्बेडकर की शिक्षाएं दी जाएंगी। तमाम बच्चे हैं, मैं लालू यादव किस लिए भी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था इन्हीं बच्चों के लिए, लेकिन मीडिया ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया और ऐसे बच्चे स्कूल जाने से वंचित। सावित्री बाई फुले, फुल नेम बाज ज्योतिराव सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले मदर्स नेम बाज लक्ष्मी, सावित्री बाई फुले फादर्स नेम बाज कांडोजी नेवरस पाटिल, सावित्री बाई फुले हस्बैंड नेम बाज ज्योतिराव फुले, सी इज सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन, सी इज फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया, सी डेड ऑन 11th March इन 1947। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इस समय बिहार के जहानाबाद जिले में हूँ, एक ऐसा जिला जहाँ जाति के नाम पर लंबे समय तक नरसंहार हुआ और किस तरह से उसके बाद ही मैं बार बार कहता हूँ कि 21वीं सदी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और जिनकी जिम्मेदारी एक भंते जी ने ली है, लगभग 70 बच्चे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, छत नहीं है, स्कूल नहीं है। भंते जी अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से इन बच्चों के रहने खाने और पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। आपने भगवान बुद्ध की वंदना सुनी, उसके बाद अंग्रेजी में भी बच्चों को सुना और लगभग 70 बच्चे चला रहे हैं और 3 ऐसे स्कूल और चल रहे हैं। नेशनल दस्तक यहाँ आया है, मेरी गुजारिश है दुनिया के तमाम लोगों से जो नेशनल दस्तक को देखते हैं, भंते जी के स्कूल को मजबूत करने के लिए आपको आर्थिक अनुदान देने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है मैं आपसे तभी मदद की गुहार लगाता हूँ, इससे पहले कोई परिवार सड़क पर था तो गुहार लगाई थी, आप लोगों ने लाखों रुपए की मदद की। इससे पहले राजा चौधरी को लंदन भेजना था पढ़ने के लिए, आपने 30-35 लाख रुपए की मदद की। अब एक मदद की गुहार लगा रहा हूँ इन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए जो हमारे पीछे खड़े हैं और जो देख रहे हैं, जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, जिन्होंने हिंदी में गा के सुनाया कि शिक्षा ही सब कुछ बदल सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बुद्ध का धम्म है, जो बुद्ध का विचार है, वो इंसानी जीवन के लिए है, पढ़ाई लिखाई के लिए है और ये सबसे बड़ा काम है। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरह के काम किए होते, स्कूल खोला होता, संस्थान खोले होते जिस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने खोला है, ज्योतिबा फूले ने खोला, सावित्री बाई फूले ने खोला, तो आज इस देश की स्थिति अलग होती, बहुजनों की स्थिति अलग होती। पेबैक सोसाइटी का मौका है, आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी, इनके इसलिए स्कूल खोलना पड़ेगा, इनकी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। मैं अकाउंट नंबर इनका दूंगा, सीधे इनके अकाउंट में आप मदद कर सकते हैं। 70 बच्चे हैं, भंते जी हैं। भंते जी, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर BP निराला। अच्छा, आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है? आपका हम पॉलिटिकल साइंस से PhD हैं। PhD हैं और तो BHMS भी हैं। तो कब से बच्चों को पढ़ा रही है, ये कब से शुरू कर रहे किए हैं? 2014 से। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पर 70 बच्चे हैं। और कितने और संस्थान इस तरह से आपने खड़े किए? 3 संस्थान खड़े किए हैं।
किस तरह की मदद की आपको ज़रूरत है? यहाँ तो मैंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से यहाँ मदद की ज़रूरत है। फिलहाल पैसे की क्यों ज़रूरत है और क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि थोड़ा और बेहतर हो जाए? क्योंकि जो भी मेरे बच्चे हैं या हम लोग छत के नीचे, मैंने मेरे छत नहीं है, बिन छत के सो रहे हैं है यहाँ पर। बिल्कुल एक खपरायल है जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। पोलोथीन डाल के भंते जी जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं बच्चों का, अपने मेहनत से, मदद से इस तरह की स्कूलें चल रही है। और ये संख्या है बच्चों की, ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, सब गरीब घर के बच्चे हैं, लाचार बेबस घरों के बच्चे हैं, लेकिन ये फ्यूचर हैं भारत के, ये फ्यूचर हैं भारत के। अगर आपकी इनकी मदद हो पाई तो समझिए कि इनके हाथों में कलम होगा। और इन्होंने अभी गा के सुनाया है कि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके जरिए बदलाव लाया जा सकता है। इन बच्चों की मदद करने की जिम्मेदारी है हम पर, हमें करना पड़ेगा और तभी ये देश मजबूत देश बनेगा। तो आपको आपको अब बड़ा दिल दिखाना है और हम भंते जी की मदद करना चाहते हैं कि इस स्कूल पर छत आ जाए और ये ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए इस देश में जहाँ संस्थान हम खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ और भंते जी, कितने 2014 से चला रहे हैं? चला रहे हैं, इससे पहले भी चला रहे थे व्यक्तिगत रूप से। हाँ। लेकिन समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए मुझे एहसास हुआ कि हम बेसिक से जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक समाज में बुनियादी परिवर्तन नहीं आएगा। तो समाज में बुनियादी परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक बेसिक से शुरू नहीं करेंगे, आपने संस्थानें नहीं खड़े की, अपनी विचारधारा नहीं फैलाई और नतीजा आपके सामने है। मेरे साथ मखदुमपुर के विधायक डॉक्टर सतीश जी हैं जो लगातार इस तरह के कामों को प्रोत्साहित करते हैं। सतीश जी, क्या करने की ज़रूरत है अब? देखिए, भंते जी का जो साहस है बहुत सराहनीय है। इन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो गरीब, जो नहीं बच्चे पढ़ सकते हैं, जो माता पिता के लिए बोझ हैं, उनका भोजन चलाना जिनको मुश्किल है, उन बच्चों को यहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं। और आपको यहाँ पर 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल के बच्चे मिलेंगे यहाँ पे। बच्चे 5 साल के भी बच्चे मिलेंगे यहाँ पे, पीएचडी करने वाले भी बच्चे रहेंगे और यहाँ पे गृहस्थ लोग भी मिलेंगे जो स्वयं खेत में काम कर करके, भंते जी और जो बड़े लोग हैं खेत में काम करके, मजदूरी करके इस विद्यालय को चला रहे हैं। और इन्होंने अपने मेहनत से, अपने ऊपर क्रेडिट ले करके इस तरीके से लोगों के मदद से। क्या हुआ उनको? तो खड़ा कराइए। जी जी, अच्छा भंते जी, हाँ बताइए, क्या मदद की ज़रूरत है आप लोगों को? यहाँ मदद तो मैंने बताया कि आर्थिक, मैंने मेन हर समाज को चलाने के लिए, एक छोटा परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी संस्थान बनाने की योजना है, पूरी व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है, तो पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए तो मैंने क्या, मैंने आर्थिक बिना, अर्थ के बिना तो संभव नहीं है। हमारे बच्चे ने भी इस बात को सुनाया। हाँ, तो क्या क्या कैसे मदद की जाए विधायक जी? हम तमाम लोग से चाहेंगे कि 1 रुपया से कम शुरुआत करें। ऐसे संस्थानों को अपने एक दिन का भोजन का कीमत कम से कम इन संस्थानों को दें कि इस तरीके के और भी बच्चों को प्रोत्साहन मिले, एक बुनियादी शिक्षा उनके अंदर, गौतम बुद्ध की शिक्षा और डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा, ये तमाम चीज़ें जो वैज्ञानिक सोच पे डॉक्टर अंबेडकर चाहते, तो ऐसे छात्र वैसे समाज में तैयार हों और यही आने वाला दिन में समाज में शिक्षा का प्रचारक बनेंगे, यही आने वाले समाज में जो लड़ाई है बाबा साहब की, इस मसाल को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो जब उनको बचपन से इसी माहौल में पले बढ़ेंगे तभी जा करके ये आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चे लोग आप जो प्रार्थना कर रहे थे, आपने देखा होगा कि झगड़ा छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। और यही काम संत रविदास ने भी कहा, यही गौतम बुद्ध ने भी कहा, यही बाबा साहब ने कहा, उसी चीज़ को यहाँ पर चरितार्थ किया जा रहा है। तो हम तमाम लोग से ही अपील करेंगे कि हम विधायक होने के नाते जो हम कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, 1 साल भी हमारी नहीं हुई है, और हम प्रयास कर रहे हैं समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं के प्रेरणा से हम संध्या पाठशाला गाँव में शुरू की, 11 पाठशाला अम्बेडकर ज्ञान केंद्र खोले और यही प्रार्थना जो यहाँ कहते हैं, यही प्रार्थना को हम कॉपी वहाँ करते हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। यदि आप मदद करते हैं तो हम इसकी गारंटी लेते हैं कि ऐसे और भी संस्थान खुलेंगे, ऐसे और भी बौद्ध विहार खुलेंगे जहाँ पे गौतम बुद्ध अम्बेडकर की शिक्षाएं दी जाएगी। तो ये भंते जी हैं और मैं फिर कह रहा हूँ, भंते जी एक बार लास्ट अपील करिए पूरी दुनिया में जो SC ST OBC माइनॉरिटी और बहुजन समाज और धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो मैं तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं,
धर्म के मानने वाले लोग, धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुजन बहुजन, तो ये एक एकमात्र एकलौता भी संस्थान है मेरे समझ से, मेरे समझ से, पूरी दुनिया पूरे भारत की बात बोल रहा हूँ, तो मेरे समझ से ये एकलौता संस्थान बिहार के जहानाबाद का मखदुमपुर प्रखंड के नेर गाँव में अवस्थित है। और इसे पूरे विस्तार के लिए जो है हमें सहयोग की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। बहुजनों से निवेदन है कि आप लोग मदद करें, माइनॉरिटी के लोग हैं, मदद करें। आप लोग सब लोग मेरे पास आएंगे एक बार, तो मैंने बहुत साल, मैं 18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश है अब कि इस देश के तमाम लोगों को जोड़ा जाए। आइए ना आप लोग, सब लोग आ जाइए बच्चों, तो ये कोई बात नहीं, आने दीजिए भंते, जाने दीजिए ना, खेलने दीजिए, ये वो नहीं नहीं कोई, आ जाइए जल्दी आ जाइए। तो ये तमाम बच्चे हैं, मैं लालू यादव की इसलिए भी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था इन्हीं बच्चों के लिए, लेकिन मीडिया ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, और ऐसे बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह गए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गरीब है नहीं, इनको जाति के आधार पर गरीब रखा गया, गरीब बनाया गया, कोई पॉलिसी नहीं बनाने वाला है, सत्ता में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। नेताओं ने, लालू यादव ने, मायावती ने, मुलायम सिंह यादव हो, शिबू सोरेन, इन लोगों ने काम किया है, करुणानिधि ने काम किया है, लेकिन अब जिम्मेदारी समाज के ऊपर आ गई है। सरकार, पता नहीं कोई ऐसा अम्बेडकराइट जाएगा, सतीश जी जैसे लोग जाएंगे सत्ता में, तो हो सकता है वो करे, लेकिन अभी फिलहाल इन बच्चों के भविष्य को रोका नहीं जा सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको पता है मैं कभी आपसे कोई आर्थिक मदद की गुजारिश नहीं करता हूँ जब तक कोई परिस्थितियाँ ना हो। मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, मेरा किडनी खराब हो जाएगा, मैं मर भी जाऊँगा, तो अपने लिए कभी आर्थिक मदद नहीं मांगूँगा आपसे, लेकिन इन बच्चों के लिए है। बाबा साहब ने कॉलेज खोले, मिलिंद कॉलेज खोले, तमाम कॉलेज खोले, संस्थाएं खड़ी की, उन तमाम लोगों को अप्रिसिएट कीजिए जो ऐसे बच्चों का सहारा बन रहे हैं। और आप मानिए, आपके धर्म का भी तभी प्रचार प्रसार होगा जब उसको शिक्षा से जोड़ेंगे, और ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ी पेबैक टू सोसाइटी होगी। मैं अपील कर रहा हूँ, भंते जी का अकाउंट नंबर नीचे दे रहा हूँ, इनकी आर्थिक मदद कीजिए ताकि ऐसे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं वो स्कूल तक पहुँचे। संविधान ने प्रावधान किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में एक सेकुलर राष्ट्र, एक सोशलिस्ट राष्ट्र बनाया था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस देश के हर बच्चे, हर इंसान को खाना, कपड़ा, रोजी रोटी, मकान मिले, लेकिन आपको पता ही है कौन लोग सत्ता में है, कौन लोग सरकार चला रहे हैं, और जो सरकार सत्ता में जा भी रहे हैं वो किस तरह के लोग जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की कोशिश होगी, शंभू कुमार सिंह की लगातार कोशिश है कि ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएं। मेरे लिए यही जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए नेताओं का बयान खबर नहीं है, समाज में जो भारत को जो मजबूत बनाने की लड़ाई चल रही है, जो इंसानियत की बचाने की लड़ाई चल रही है, वो खबर है। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आर्थिक मदद कीजिए ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर बन सके, और इसमें से कोई CM, कोई PM, कोई पत्रकार, कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट बने। इन सबका भविष्य आपके हाथों में है, आपकी छोटी छोटी मदद भी इनको एक नया राह दिखा सकता है। आप लोग आखिर यही तो चाहते हैं कि बहुजन समाज का युवा नेता बने, समाज को मजबूती मिले। अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि इसकी मदद हम लोग की जाए, और इन तमाम बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ आपके भरोसे पे। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे कभी निराश नहीं किया है। रोज़ 2 मिलियन लोग नेशनल दस्तक को देखने आते हैं, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, करोड़ों व्यूअरशिप है। आप जहाँ भी हैं इन बच्चों की मदद कीजिए ताकि मैं अगली बार आऊँ तो फिर आपको बता सकूँ कि घर पर छत पर गया है, अब बच्चों को बारिश में भींगना नहीं पड़ रहा है, धूप में तपना नहीं पड़ रहा है, सर्दी का मौसम इनके लिए कंबल का जुगाड़ हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रतिक्रिया का और मदद का हमें इंतज़ार रहेगा। बिहार हम फिर आएंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जहानाबाद, बिहार।
आप तो एक काम, यहाँ पे इस समाज में जो हमारे समाज बहुजन समाज का जो दिशा और दशा जो सही नहीं चल रहा है, तुम लोगों इसको कैसे सुधारोगे और कैसे इस देश में आप अपने वंशजों को हुक्मरान बनाओगे, जरा इस पर थोड़ा सा दूर हो जाए। अंग्रेजी में अगर कोई कविता लिखे नहीं देंगे आप लिखेंगे। सुनवाना चाहते हैं? हाँ, बोल रहे थे कि अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में करवाइए ना, वहाँ चल करके नहीं सुरा कराए ना। चलो धर्म कृति किसी महान पुरुष पर भाषण दो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाज ग्रेट मैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फुल नेम बाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाज फुल नेम बाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फादर्स नेम बाज रामजी सकपाल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मदर्स नेम बाज भीमाबाई सकपाल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द ग्रेट पॉलिटिशियन इन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द ग्रेट मैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द ग्रेट मैन ऑफ इंडियन। थैंक यू। खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते, जंगलों में मानो से भिंडी किनारों से एक हो संघर्ष करो कर्जा करो। शुक्रिया आप लोगों का। तो ये वो नारे हैं जो हमें
अंदर से झकझोर देता है, जिसको जानने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उसकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं होती है, सत्ता आपके पास आएंगी नहीं। ये वो सामाजिक जड़ मजबूत करने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन नारों को सीखने में उम्र बीत जाती है, ये मासूम बच्चे आज भी सीख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इनकी मदद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी छोटी लालच में आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी मदद का भी इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।